पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा भरकटिया पिथौरागढ़ से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल द स्टार्टर ब्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी है सुबह के 10:15 बजे से। फिलहाल हमारा नाश्ता वगैरह सब हो चुका है और मम्मी गई हैं दुकान में पार्सल लेने के लिए। इस बार पतिदेव बहुत ज़्यादा मेहरबान हो रहे हैं। परसों भी उन्होंने एनिवर्सरी वाला गिफ्ट भेजा था और आज उन्होंने एक टैडी भेज रखा है, पांडा भेज रखा है। बोल परसों ऐसे ही मजाक कर रहे थे कि तुझे टैडी चाहिए, टैडी ले देता हूँ। तो मैं उनसे बोल रही थी कि आज तक तो दिया नहीं आपने टैडी, अब क्या दोगे करके। तो वो बोले थे नहीं नहीं मैं ले रहा हूँ सच में। तो पांडा भेज रहे थे और वो अभी आ गया है। वैसे 1 या 2 तारीख को आने वाला था लेकिन अभी आ गया, तो देखते हैं जैसा वो सच में ऑनलाइन में दिख रहा था वैसा है कि नहीं है करके। मम्मी थोड़ी देर में लेके आ जाएगी, फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको पांडा। वैसे बट हाँ, और सबसे बड़ी बात, आज देवर जी का बर्थडे है। उनको 23 कंप्लीट होके 24 लग जाएंगे अब आज के बाद, मतलब आज लग जाएंगे। और हर बार वो बर्थडे में अपने घर पे होते थे मम्मी के साथ, पिछले साल तो मेरे साथ भी थे, लेकिन ये पहला बर्थडे होगा उनका जो वो घर से बाहर हैं। तो अगर आज वो घर पे होते तो उनके बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा होता। बाकी अब शाम को हम सिर्फ पनीर वगैरह बनाएंगे क्योंकि और टाइम पे जैसे पतिदेव भी घर नहीं होते हैं और देवर जी तो घर होते थे, पतिदेव घर नहीं होते थे, उनका बर्थडे होता था ना, तो मम्मी हमेशा पनीर बनाती थी। शादी से पहले भी जब मैं कॉल करती थी तो मम्मी बोलती थी पनीर बना रहे हैं आज, क्योंकि आज अज्जू का बर्थडे है कहती थी, या अमित का बर्थडे है पनीर बना रहे बोलती थी। तो शाम को पनीर बनाएंगे शायद, देखते हैं मन होगा तो खाने का, मम्मी बोल रही थी सुबह बनाएंगे करके, बाकी देखेंगे। और पार्सल आने वाला है थोड़ी देर बाद, फिर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मुंह धोने की वजह से शीशा कितना ख़राब हो रहा है, रोज रोज साफ करो फिर ख़राब हो जाता है। और मम्मी ने यहाँ पे धनिया सुखा रखा है और ये पालक है और लहसुन जो लास्ट लास्ट वाला था वो है। तो मम्मी पहुँचने वाली है पार्सल लेके, उसमें तो बहुत बड़ा दिखा रहे थे यानी इसमें कैसे कट्टे की तरह है। उसने उन्होंने खोल दिया होगा ऊपर, पता नहीं उन्होंने खोला होगा, और कौन खोलेगा मेरे, वही तो और जाती क्या जी ऐसा चाहोगा अनबॉक्सिंग इसकी, मेरे सारे उनकी अनबॉक्सिंग कोई ना कोई कर ही देते हैं रोज। हाँ तो बड़ा बड़ा ही भेज रखा है बोलते जी, अरे पता नहीं क्या है। तो जब भी पत्नी कुछ भी पार्सल भेजते हैं ना तो उसकी अनबॉक्सिंग कोई ना कोई कर देता है और टाइम पापा करते हैं, लेकिन आज ये जिसके दुकान में रखा था उसने कर दिया पहले, इसकी अनबॉक्सिंग पहले कर दी है। वही तो अभी उनका डांटना पड़ेगा कि वह बेचारे को किसके मूड रखा है। बालू जैसे लंबे लंबे हमारे घर में सब है वैसे ये भी आ रखा है लंबा लंबा पांडा। थोड़ा इसका पेट पतला हो गया, इसको खिलाना पड़ेगा इसका पेट पतला हो गया खिलाना पड़ेगा इसको, कह रही हूँ। आज मम्मी ने लिए हैं कच्चे वाले नारियल 3-3 और इसके ना वो भी निकलवा दिए, जो इसकी चटाई जैसी होती है वो निकलवा दी। कोई फेरी वाले अंकल आए थे तो उनसे लिए मम्मी ने, और घर भी पहुंच गए ये। और ऊपर से ना इसमें फ़ायदा भी हुआ हमें, फ़ायदा 20 रुपये का आया क्योंकि मार्केट में ये 40 रुपये का एक मिलता है, भले छोटा हो नारियल या बड़ा हो, मतलब सेम रेट का मिलता है। लेकिन वो जो फेरी वाले थे होता है ना वो थोप टाइप में देके जाते हैं, तो थोप की दुकान में भी 20 रुपये महंगा था ये, और वहाँ से सस्ता घर में, और मम्मी को जाना भी नहीं पड़ा, मैंने यहाँ से थोप की दुकान में जाना पड़ता है भर के टाइम, और जगह कहीं फ्रूट्स रखते ही नहीं है ज़्यादा, मतलब और चीज़ें सिर्फ केले रखते हैं और नहीं रखते हैं। तो अब 3-3 नारियल सिर्फ इनको फोड़ना है और इनका पानी निकालना है। दोस्तों दिन का खाना वगैरह होने के बाद मेरा नहाना भी हो गया है और मेरा पांडा यहाँ पे है, इसका कुछ नाम रखना पड़ेगा सोचूंगी। मम्मी तो उसको बालू बालू बोलने में लगी है, काला और सफ़ेद है करके,
लेकिन मैं इसका नाम रखूंगी, कुछ सोचूंगी क्या रखूँ इसका नाम। बाकी आज मैंने नई कुर्ती पहनी है, नई कुर्ती क्या, मम्मी ने ना पिछले साल ये कुर्ती ले ली थी और प्लाजो भी ले लिया था, लेकिन मम्मी ने पहनी ही नहीं, फिटिंग करवा के रखी थी और अभी मैंने इसकी सिलाई निकाल दी। मेरी जो मैंने कुर्तियाँ ली थी दो, उसमें से एक ना, क्योंकि रोज़ रोज़ नहाना होता है, रोज़ कपड़े धोने होते हैं, तो रोज़ रोज़ कपड़े धोने से कच्चे टाइप के हो जाते हैं, तो इस वजह से एक कुर्ती की साइड से कमर के यहाँ पे ना सिलाई निकलने लग गई थी। तो तभी मार्केट जाना है हमें 5-6 दिन बाद, तो तब लेके आएंगे, 9-10 दिन बाद जाना है मार्केट, तो तब लेके आएंगे नई कुर्ती। तब तक ले ये वाली ठीक है, और ये खाली पड़ी पड़ी थी तो यूज़ भी हो गई है अभी। बाकी रेस्ट करती हूँ और अभी अच्छी नींद आएगी शायद, देखते हैं, फिर इसके बाद शाम को मिलेंगे आपको। दोस्तों रेस्ट वगैरह करके मैं उठ चुकी हूँ और मेरे सोते सोते मेरे बाल भी सूख गए थे फैन से, और मम्मी ने नीचे खेत में चिंकी को चरा रही है, चरा के नहीं खेल रहा है वो, चरता तो है नहीं, खेल रहा है। चिंगर दिया इसने, ए करू पुट्टी छुभ रहा है, क्यों छुभ रहा है, हाँ कितनी निकालता है बाहर। दोस्तों घूम घाम के हम पहुंच गए हैं घर, और आज हम हुड़कन्ना साइड को गए थे, इसलिए आपको थोड़ा अलग व्यू लगा होगा वहां का, क्योंकि वहां से पूरे आर्मी क्वार्टर्स दिखाई देते हैं, तो मैंने आपको वही दिखाए। अब पी लेते हैं फ्रूटी, पूरा पसीना आ गया मुंह भी, अजीब सा हो गया काला काला सा, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, फिर थोड़ा सा उधर को गए ना तब हवा लगी थोड़ा बहुत, वरना आज बहुत गर्मी हो रही है, बारिश भी नहीं आई कितने दिनों से। दोस्तों आज हमारे घर में बहुत सारे फ्रूट्स आ रखे हैं, और फिर से मम्मी की दोस्त ने हमारे लिए फ्रूट्स भेजे हैं, ममता आंटी ने। सबसे पहले काफल, ये रहे एक थाली काफल, और छोटी सी थाली है इसमें भेजे हैं पुलम और आड़ू, ये रहे सारे सीजन वाले फ्रूट्स हैं। तो आंटी को बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि इतने सारे फ्रूट्स और काफल, काफल के साथ पुलम, पुलम के साथ आड़ू, इतने सारे भेजे हैं, तो थैंक यू सो मच आंटी इतनी सारी चीज़ें भेजने के लिए। सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हो रही हैं, और आज हमारे इस बार गर्मी के सीजन की फर्स्ट सब्जी है ये बीन्स की, पनीर के लिए तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि मन ही नहीं करता आजकल खाने का वो, तो हम खाएंगे ऑर्गेनिक सब्जी, अपने खेत के बीन्स की पहली सब्जी। दोस्तों रात का खाना हमारा हो चुका है, और यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आते रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं दीक्षा मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक ले स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय।